लिखेंगे V2 और हो जाएगा कैट रैन फास्टर देन डॉग। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है? कैट रैन फास्टर देन डॉग। तो अगर कुछ बातें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करें तो आप समझ सकते हैं कि उसको कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल है, आयरन इज नॉट, आयरन स्पेलिंग इरर है, IRON, आयरन इज नॉट एज कॉस्टली एज सिल्वर, आयरन इज नॉट एज कॉस्टली एज सिल्वर। तो अब हमको इसको बनाना है पॉजिटिव डिग्री, नो कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो बना देंगे सिल्वर इज, हमने बता दें इसका कंपैरेटिव क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए नियम आ गया, एडवर्ब जिस एडवर्ब के अंत में एलवाई लगा हो, मोर लाग कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट लाग सुपरलेटिव डिग्री, अर्थात सिल्वर इज मोर कॉस्टली देन, हो गया। तो अब बोलिए इस तरह से पॉजिटिव से कंपैरेटिव हो गया। अब इसी का हम जस्ट उल्टा पढ़ते हैं, तो याद रखिए उल्टा के लिए हम आपको रूल्स नहीं बताएंगे, आप समझ चुके, बस हम कुछ एग्जांपल से सॉल्व करा देंगे, आप समझ जाएंगे कि कैसे हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं है, जिसको पता है कि हम कैसे पेड़ पर चढ़े तो तरना भी जानता है, और उसके कोई नया नया नियम कानून बताने की जरूरत नहीं है। जिसको पता है कि हम किस तरह से गली में गए हैं उस तरह से आगे जाएगा। जस्ट डिग्री में यही काम करना है कि जैसे जैसे हम पॉजिटिव कंपैरेटिव बदले वैसे ही कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदल देंगे। जैसे क्वेश्चन रहेगा, यही क्वेश्चन है, यही मान लीजिए क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन दे देगा आई एम नॉट बेटर देन ही, इसको पॉजिटिव में बदलिए, सोहन डज नॉट रन फास्टर देन मोहन, इसको पॉजिटिव में बदलिए। तो अपने नियम से बना लेंगे, वही है, यहां स्टार्ट करेंगे उल्टा, ही इज एज गुड एज हो गया, ही इज एज गुड। तो हम कल इसका कुछ एग्जांपल्स बता देंगे। इस तरह से हम ये उम्मीद रखते हैं कि अब आप बेसिकली जो टू पर्सन प्लेस का जो कंपेयर होता होगा आप समझ चुके होंगे। अब कल से हम लोग इंटरचेंज ऑफ डिग्री पढ़ेंगे, डिग्री का महापरिवर्तन, जिसे नो अदर, वेरी फ्यू या मोस्ट अदर, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं, इनका डिग्री कैसे बनाया जाएगा। तो कल से हम वैसे सेंटेंस की डिग्री पढ़ेंगे, लेकिन हाँ एक बात हम सारे विद्यार्थियों को बोल देंगे कि डोंट वरी, आप दिमाग मत रखिए कि सर पूरा सिलेबस कवर करा ही नहीं, जब हम उतर ही गए हैं आपको पता है अनुराग सर सोशल मीडिया से कितना दूर रहते थे, बड़ा मोबाइल लेकर चलने हमको सोचना पड़ता था, नहीं इच्छा करता था, लेकिन समय है, तो अब जब स्टार्ट कर दिया तो करके ही छोड़ेंगे। इसलिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए और आपको हम ट्वेल्थ का पूरा सिलेबस, ग्रामर कंप्लीट, इंग्लिश का लिटरेचर कंप्लीट, हिंदी का लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर बस पढ़ने पर ध्यान फोकस कीजिए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, नाइस फॉर वॉच माई वीडियोज, आई गिव अ लॉट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड इन द लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इफ, अर्थात अंत में आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया, अगर जो नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर, अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा, और कुछ जो भी जैसा आपको समझ आए कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, और इसके साथ साथ जो भी आपको लाइक हो लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स वेरी मच। ओके, अंत में बोलेंगे
व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, भगवान की दया से आप स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।